हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जयास केक होम बेकरी। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल सी डेकोरेशन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपने शॉर्ट्स पे देखा होगा, मैंने अपलोड कर रखा है। तो इसकी फुल वीडियो मैं आज लेकर आई हूँ खासकर आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ रही हूँ। तो आप लोगों के लिए तो वीडियोज लाना बनता है ना, सही ना। तो ये केक मेरी फ्रेंड ने मुझे ऑर्डर दिया था बहुत ही अर्जेंट पे, कि उसे उसकी हस्बैंड की बर्थडे थी, उनकी सोना जी वो कहती है, तो उनकी बर्थडे के लिए उसने मुझे ऑर्डर दिया। एंड उसने मुझे एक पिक्चर दिखाया कि मुझे ऐसी सेम केक चाहिए, सेम डेकोरेशन चाहिए। तो मैं तो बहुत ही कंफ्यूज थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रेट थी। तो मैंने बोला नहीं, मैं रेट फुल्ली नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हें जैसी भी चाहिए कलर, रेट कम हो चलेगी, बट फुल डेकोरेशन अच्छा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर डर के से डेकोरेट कर रही थी। आप भी देख सकते हो, रेड कलर लाने के लिए मैंने एक छोटी सी बॉल में और सा क्रीम मिक्स करके ऐड किया, फिर मैंने ये वाले नोजल से पाइपिंग बैग में हल्की सी और कलर डाला, फिर डालने के बाद क्रीम को ऐड करके अच्छे से धीरे धीरे डेकोरेशन किया है। एंड आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बैग मतलब स्क्रीन के बिहाइंड में मैंने एक और मोबाइल में उसकी इमेज रखा था, एंड मैं उसे देख देख कर अच्छे से चाह रही थी कि सेम हो, कोई दिक्कत ना आए, उसे पसंद आ जाए बस। तो इसे बनाने के लिए मुझे रात में जगना पड़ा, क्योंकि एक साथ दो दो तीन तीन ऑर्डर मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है, अचानक से ऑर्डर आ जाती है तो बनाने में। तो फिर भी मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं सबको फ्रेश केक बना के दूँ, इसलिए मैं पहले से कुछ भी बनाकर रेडी नहीं रखती हूँ, जब मेरे पास ऑर्डर आती है तभी मैं बनाती हूँ। तो इसे देखो आप मैं किस तरीके से बना रही हूँ। मैंने बस ये सिंपल सी फ्लावर बनाई है, जो कि अच्छी लग रही है, थोड़ी थोड़ी रेड की सैडनेस दी है ताकि ये केक और भी अच्छी लगे। एंड थोड़ी साइड से मैंने पूरी कवर किया है, जिस तरीके से पिक्चर में थी मैंने सेम उसी तरीके से इसे किया है। तो हमें केक बनाने के लिए चारों ओर देखना पड़ता है कि सारे मतलब कहीं पे कुछ कमी तो नहीं लग रही है ना, कुछ कमी लग रही है तो उसे भी हमें मतलब पूरी कर लेनी है। तो अच्छे से जब भी हमें केक बनानी है ना, तो चारों ओर घुमा घुमा कर देखनी है कि कहाँ से कुछ कमी लग रही है, क्योंकि अगर हम एक साइड फोकस करेंगे तो दूसरे साइड कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो वो हमें फोकस करना है कि हमें चारों ओर घुमा घुमा कर देखना है कि हाँ कहाँ पर हमारी डेकोरेशन अधूरी है, जिसे हमें पूरी करनी है, क्योंकि केक डेकोरेशन से ही अच्छी लगती है। एंड आप इसे जितना बनाओगे ना, आपको उतना अच्छा लगेगा। एंड हर दिन मुझे नया केक के डिज़ाइन बनाना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँ। तो आप लोग मेरे चैनल को अभी तक जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, देर किस बात की है, ताकि मैं हर दिन आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ लेकर आऊँ, मुझे भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर देना, ठीक है ना। एंड ये आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने ये इटेबल वाली बटरफ्लाई ऐड किया है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ना ऐसे ही खा जाते हैं कोई भी, तो मैंने इसे इटेबल वाला ही इसमें यूज़ किया है। एंड मैं इस केक की मतलब क्या ही बताऊँ, मेरी फ्रेंड को ये केक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो आप लोगों को कैसी लग रही मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट किस चीज़ की डेकोरेशन वाले वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। आप लोग तो कमेंट करके भी नहीं बताते हो कि आप लोगों को कौन सी डेकोरेशन चाहिए, क्या आप लोगों को मेरी मेहनत और मेरी केक अच्छी नहीं लगती है क्या, कमेंट्स में बताना, ठीक है।